바람이 불어온 그 밤에 꺼진했던 조각들이 난 떠올라 순간에 falling down 감추려 애썼던 맘 다 들킬까봐 도망가버렸지 चल रहा है। बस कुछ नहीं, खाने की तैयारी। दीवू जा चुकी है। वेलकम टू प्रिया सिन्हा लाइफस्टाइल गाइस, कैसे हो आप सब? और बस वही सुबह का मॉर्निंग रूटीन चल रहा है। आटा लगा के रखा हुआ है, रोटी सेकने की तैयारी है, साथ में बनाई है करेले की सब्जी। ये देखिए करेले की सब्जी लंच, करेले की सब्जी और रोटी लंच के लिए तैयार है। बस मैंने ब्लॉगिंग सब्जी की रेसिपी और ये सब पूरा कंप्लीट ब्लॉग इसलिए नहीं बनाया क्योंकि मुझे आपके साथ कुछ और शेयर करना था। तो क्या शेयर करना है मैं आपको दिखाती हूँ। मैं बना रही हूँ अपने लिए उपमा, तो मैं चाहती हूँ कि आज आपके साथ शेयर करूँ वेट लॉस रेसिपी, वेट लॉस उपमा रेसिपी। कुछ खास नहीं है, मैंने भी यूट्यूब से ही देखा है सब कुछ, लेकिन उसमें थोड़ा अपना टच दूंगी। तो वेट लॉस उपमा रेसिपी के बारे में मैं आपको बताती हूँ। मेरे पास जो जो सब्जियां अवेलेबल है वो है शिमला मिर्च, टमाटर, ऑरेंज वाला ही गाजर, एक हरी मिर्च और ये दो छोटे छोटे से, आप एक प्याज ले सकते हो, मेरे पास ये बिल्कुल छोटे छोटे से प्याज हैं तो दो लिए हैं मैंने। तो इनको फाइन चॉप करेंगे हम, प्याज को अलग करेंगे, बाकी टमाटर, गाजर और शिमला मिर्च को एक साथ चॉप कर सकते हैं। और क्योंकि मैं सिर्फ एक सर्विंग के लिए बना रही हूँ, एक पर्सन के लिए बना रही हूँ मेरे लिए, तो मैं आपको बता देती हूँ कितनी क्वांटिटी में मैं उपमा सूजी ले रही हूँ, क्योंकि सूजी हम ज्यादा नहीं ले सकते हैं, हमें ज्यादा वेजिटेबल्स लेनी होती है। तो ये एक स्पून है, एक, दो, तीन, चार और पांच, पांच से छह चम्मच आप ले सकते हो, लोग सात से आठ चम्मच भी लेते हैं लेकिन हम थोड़ी कम क्वांटिटी में लेंगे। पांच से छह चम्मच मतलब मेरी छोटी सी कटोरी है, इसमें ये पांच से छह चम्मच मैंने सिर्फ सूजी के लिए हैं। चलिए तो बाकी तैयारी कैसे करनी है बनाने की, पहले मैं सब कुछ चॉप कर लूं एंड देन आपसे मिलती हूँ, फिर बताती हूँ कैसे तैयारी करनी है। वेजिटेबल उपमा बनाने के लिए हम डालेंगे एक चम्मच ऑयल, सिर्फ ये जो चम्मच देख रहे हो आप, स्पून जो खाने वाली स्पून होती है, इसका एक चम्मच ऑयल, सिर्फ इतना। और ये मैंने मस्टर्ड ऑयल लिया है, आप चाहो तो किसी भी ऑयल में बना सकते हो, अप टू यू, राई सरसों जो भी बोलते हो आप इसको, ये अच्छे से चटक गए, आवाज आ रही ना। फिर डाल देंगे अपना जीरा, और साथ के साथ जीरा चटक जाएगा तो हम डाल देंगे प्याज। फ्लेम मैंने मीडियम से लो पे कर रखी है गाइस, अच्छे से भूनेंगे इसको, अच्छे से भूनेंगे इसको। ये देखो गाइस प्याज जो है वो ट्रांसलूसेंट सी हो गई है, पूरा भरा हुआ है वेजिटेबल से। इसमें जो मैंने आपको वेजिटेबल्स दिखाई थी वो सारी वेजिटेबल्स है। वेजिटेबल्स को होने देंगे सॉटे, अच्छे से सॉटे करेंगे इन्हें। गाइज पांच से सात मिनट हो गए मुझे सब्जी को सॉटे करते हुए, और मेरी सब्जियां अच्छे से सॉटे हो गई हैं। इसको थोड़ा और सॉफ्ट करने के लिए मैं इसमें डाल दूंगी नमक, स्वाद अनुसार, क्वांटिटी के अनुसार, जैसी क्वांटिटी वैसे ही नमक जाएगा। सब्जियां हमारी अच्छे से सॉर्टेड है, सॉफ्ट भी है। कटोरी है ना गाइस, इसी कटोरी में सूजी लिया है, इसी कटोरी से मैं एक कटोरी पानी डालूंगी। अब एक कटोरी या दो कटोरी, एक कटोरी, हमेशा आपकी सूजी का दो गुना पानी होना चाहिए, और ये दो कटोरी, वही सेम कटोरी है जिससे मैंने सूजी लिया है।
पानी में एक बॉईल आने देंगे। मेरा मेरा तवा, मैं सूजी को हल्की सी रोस्ट कर लूंगी इस पे।바람이 불어온 그 밤에 꺼진했던 조각들이 난 떠올라 순간에 falling down. 메리 저 수지 로스티드 수지에 매 달 두고 있습니다. 수지 거 된게 풀래. 수지 아차서 풀 자기. देख सकते हो वेजिटेबल उपमा रेसिपी बिल्कुल तैयार है मेरी बनकर। बस फ्लेम कर देंगे बंद और इसको ट्रांसफर कर लूंगी मैं अपने लंच बॉक्स में। एक्चुअली मैं अभी ऑफिस जाकर खाऊंगी, अभी नहीं खाऊंगी। Falling down. Hey guys, तो बस मॉर्निंग का ये लास्ट काम, किचन क्लीनिंग, डिश क्लीनिंग। तो बस सारे बर्तन धुल रहे हैं और उधर मम्मी को हैंड ओवर कर दिया दीपल जी का नाश्ता, तो मम्मी देंगी अब दीपल जी को नाश्ता। लंच वगैरह सब पैक हो चुका है, अब मैं आपसे मिलती हूँ सीधे ऑफिस में। ओके Hey guys, welcome back. आ गई हूँ ऑफिस, कर रही हूँ नाश्ता अपना उपमा। बहुत यम्मी, बहुत टेस्टी बना है। जो सब्जियाँ आपने डाली हैं इतनी सारी, गाजर वाजर, ये शिमला मिर्च, इसका एक क्रंच आ रहा है मुंह में, बहुत अच्छा लग रहा है। सो गाइज, हाई प्रोटीन ब्रेकफास्ट करना है मुझे इंटरमिटेंट फास्टिंग के दौरान। सुबह का नाश्ता जो भी रहेगा वो फाइबर और हाई प्रोटीन में रहेगा। तो कभी उपमा हो गया, पोहा हो गया, चिल्ला हो गया, इडली हो गई, डोसा हो गया, ऐसी चीज़ें आपको बनानी है। आज मैंने बनाया है, डे टू है आज मेरा, और मैंने बनाया है उपमा। आपको पानी का ध्यान रखना है। सो गाइज, मैं पहले नाश्ता कर लूँ और फिर आपसे मिलती हूँ। सो गाइज, इट्स टाइम फॉर ग्रीन टी। ग्रीन टी पी रही हूँ मैं। अभी टाइम हो रहा है 12:20, 10 बजे मैंने ब्रेकफास्ट किया था और अब 12:20 पर भूख नहीं लगी, ऐसा कुछ फील नहीं हुआ, इसीलिए अभी 12:20 पर टाइम भी नहीं मिला, काम कर रही थी। तो बस ये पी रही हूँ ग्रीन टी। गाइज, इट्स 1:46 राइट नाउ, पौने 2 हो रहे हैं अभी, और मैं कर रही हूँ खाना। खाना खा रही हूँ ना, मतलब लंच कर रही हूँ। करेले की सब्जी, रोटी और एक गिलास छाछ। छाछ मैं डेली पीती हूँ, दही या छाछ, ठीक है। तो बस लंच कर लूँ और फिर आपसे मिलती हूँ इवनिंग में। सो गाइस, रीच होम जस्ट एकदम अभी अभी। बस किचन में लंच रखते हैं, लंच बॉक्स, और मम्मी से भी मिलवा देती हूँ, बोल दो सबको पहले। तो मम्मी ने कर दिया है काम, दाल और राइस बन गए हैं। दीपक जी, मम्मी, बच्चों के लिए, दिव्या के लिए, ये तीनों तो खाएंगे दाल राइस, तो मम्मी ने बना ली है। ये मूली की भुज्जी मैंने आपको कल रात को भी, लास्ट व्लॉग में भी दिखाई थी, तो ये मुझे बनानी है। देखते हैं आज रात को बनाते हैं, कल सुबह बना लूंगी अभी। और मैं ही डिश वॉश करती हूँ घर में, बर्तन धोती हूँ, मम्मी भी देखो धो देते हैं। जिसके हाथ जो काम लगता है वो कर देते हैं, जो किचन में घुसता है वो अपना काम पूरा करके हटता है। लाइक अगर मम्मी आई है, मम्मी ने दाल चावल बनाया है, तब वो तो वो पूरी किचन क्लीन कर देंगी, डिश वॉश कर देंगी। मैं हूँ, अगर मैं किचन में खाना वाना बना रही हूँ तो पूरे बर्तन बर्तन धो के निकलूँ। तो ऐसा ही है, जिसके हाथ जो काम लग जाता है हम लोग कर देते हैं। और फिलहाल आज मैं जल्दी आ गई हूँ, 6:20 हो रहे हैं अभी, फटाफट पहुंची हूँ घर। तो मेरा मन कर रहा है अभी सूप पीने का, नहीं कर रहा क्योंकि 7 बजे तक भूख लग जाएगी। तो आज मैं पीती हूँ 2 घुट चाय और 2 रस खाऊंगी। तो पहले चाय बना लेते हैं मम्मी और अपनी। ये चाय तैयार, लेके चलते हैं। मम्मी चाय,
हाँ लगी हुई है। रस लेकर आ जाओ।바람이 불어온 그 밤에 꺼진했던 조각들이 난 떠올라 순간에 falling down कौन आया कौन आया। एक लड़की आई है, हमने वहां से गेट खुला हुआ है ना। सो गाइस, चाय वाय पीने के बाद दिव्या भी ट्यूशन से आ गई थी और शाम हो गई थी, 7 बज रहे थे। तो मैं पूजा करने के चली गई थी, दिया बत्ती शाम की जोत जलाने चली गई थी। पवन तन्य संकट हरन मंगल मूर्ति रूप राम लखन सीता सहित हृदय बसौ सुर भो। बोलो सियापति राम चंद्र की जय। बोलो पवन पुत्र हनुमान की जय। गाइस, शाम की पूजा हो गई है। नाउ इट्स सूप टाइम। सूप तैयार है और बालकनी में चल रही है कितनी अच्छी ठंडी ठंडी हवा, और इस गरम गरम सूप का मजा हम बालकनी में बैठ के लेते हैं। गाइस, ये मेरी घर का ना ये बेस्ट पार्ट है। बेस्ट, आई थिंक आपको मेरी आवाज आ रही होगी। और मैं पी रही हूँ अपनी वेट लॉस नहीं, मैं पी रही हूँ अपना सूप और बाहर बालकनी में बैठ के पी रही हूँ। ये रही मम्मा और हम लोग बालकनी में एंजॉय कर रहे हैं और इतनी अच्छी हवा चल रही है ना, मेरे घर का बेस्ट पार्ट लगता है मुझको ये। जी भी घर आ गए हैं, उनको बाइक से आते हुए मैंने नीचे देख लिया है बालकनी से। चलो मिलते हैं उनसे। हियर ही इज, यू आर इन द व्लॉग। सबसे पहले आते पूछते हैं मम्मी कहाँ है, मेरे लिए भी पूछो। मम्मी क्या कर रहे हो? बस बेटा खाना बना रही हूँ, दादी को रोटी खानी है तो वो रोटी खाएंगे। दाल चावल दादी ने बना रखे हैं। अच्छा, दाल चावल रेडी है, दादी ने पहले ही बना दिए थे। आप तो रोटी दे रहे हो। कहा ना रोटी दादी को खानी है तो इसलिए बना।바람이 불어온 그 밤에 꺼진했던 조각들이 난 떠올라 순간에 falling down 감추려 애썼던 마음 다 들킬까봐 도망가버렸지. 여기 앞에 dinner 찰 रहा है, सब dinner 그 रही है और सारी family 밀게 enjoy 그 रही है अपना डिनर टाइम और मूवी चल रही है। कुछ कुछ होता है, कौन कौन किस किस को पसंद है कुछ कुछ होता है। सो गाइज, यहाँ पर सबको खाना वाना खिलाने के बाद थोड़ा सा मूवी देखने के बाद मैं दोबारा से आ गई थी किचन में, और जो भी लेफ्ट ओवर फूड है, जो भी खाना बचा है, वो हम छोटे बर्तनों में कर लेंगे और जाके फ्रिज में रख देंगे। और यहाँ पर आ गई थी, अब मैं अपनी किचन क्लीन कर रही हूँ, तो लास्ट काम है ये किचन क्लीन करने का। मैं सारे बर्तन वर्तन धो के यूटेंसिल सारे साफ करके और बस अब थोड़ी देर में आपसे मिलती हूँ। सो गाइज, वेलकम बैक। किचन का सारा काम हो गया है एंड इट्स 9 o'clock राइट नाउ। अब मैं लग गई हूँ अपने काम पर, दिव्या को पढ़ाने आ गई हूँ। दिव्या के का बता दूँ थोड़ा सा, क्योंकि कल से उसके क्लास टेस्ट स्टार्ट हैं। एक्चुअली अभी कुछ मिड टर्म एग्जाम वगैरह आने वाले हैं दिव्या के, तो उसकी तैयारी चलेगी। तो डेली बेसिस पे मेरे ख्याल से ऑल्टरनेट डेज और डेली बेसिस पे क्लास टेस्ट होंगे, तो उसी की तैयारी करवानी है। कल दिव्या का इंग्लिश का क्लास टेस्ट है और ईवीएस का क्लास टेस्ट है, तो अब उसकी पढ़ाई करवाऊंगी। ऑलमोस्ट उसने ट्यूशन में थोड़ा बहुत याद किया होगा, थोड़ा बहुत अभी मैं ऊपर से देखूंगी, तो देखते हैं क्या करके आती है। थोड़ी सी तैयारी करा देती हूँ, उसका टाइम टेबल लगवा देती हूँ कल का पीरियड का। तो चलिए मिलती हूँ आपसे थोड़ी देर में। वेरी गुड। अब जरा ओबीडियंटली की स्पेलिंग लिख के दिखाओ। हे गाइस, वेलकम बैक।
करवा दी दिव्या की स्टडीज, हो गया उसका पैक पैक। अब बस ये ब्लॉग मैं अब यहीं ओवर करती हूँ, और ओवर करने से पहले मैं आप सबको थैंक यू बोलना चाहती हूँ कि आपके ढेर सारे कमेंट्स मुझे मिलते हैं। मैं कोशिश करती हूँ कि मैं सबको रिप्लाई करूँ, सबकी सबके कमेंट्स का जवाब दूँ। इट्स अ लॉट गाइज, इट्स रियली मीन्स अ लॉट फॉर मी, बिकॉज आप लोगों का प्यार ही है जो मुझे और इतना कुछ करने के लिए हेल्प करता है, मदद करता है, और अच्छे अच्छे ब्लॉग्स बनाने का मन करता है। यार सीरियसली आप लोग ना बहुत अच्छे हो। बस अब ये ब्लॉग मैं यहीं ओवर करूँगी। आई होप कि आज का ब्लॉग भी आपको पसंद आया होगा। अगर आपको ब्लॉग में कुछ भी पसंद आया हो तो प्लीज़ कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताना, लाइक ज़रूर करना, क्योंकि आपका ना एक लाइक बहुत मायने रखता है। और सीरियसली गाइज आप लोग हो भी बहुत अच्छे, सीरियसली बहुत अच्छे हो, क्योंकि आप सपोर्ट, अगर कोई आपसे सपोर्ट मांग रहा है ना यूट्यूब पर, सीरियसली आप सपोर्ट करते भी हो यार। चीज़ें वही थी, वाकई में मैं पहले भी बोल चुकी हूँ, लाइफ वैसी ही थी, लेकिन सर सराहने वाले कम थे, लेकिन आज तो मुझे सराहने वाले भी बहुत मिल गए। बहुत प्यार करते हो आप, मुझे प्यार करते हो, मेरी फैमिली को प्यार करते हो, बस यही देखकर बहुत अच्छा लगता है गाइस। थैंक यू सो मच, थैंक यू थैंक यू थैंक यू, शायद थैंक यू जितना भी बोलूँ उतना कम है आप लोग के लिए। प्लीज़ आपका अगर ब्लॉग अच्छा लगे, ये वाला ब्लॉग भी पसंद आया हो, तो प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब गाइस, सब्सक्राइब टू माई चैनल, एंड फिर मिलेंगे कल आपसे नए ब्लॉग में। दिलीप कौन दिव्या, कम 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 कम, से बाय टू एवरीवन, से गुड नाइट, बाय गुड नाइट, अच्छे सपने देखना ब्रो, अच्छे सपने देखना ब्रो। व्हाट इज ब्रो? ब्रो मतलब भाई। ऐसा नहीं होता, ऐसे नहीं बोलते आजकल के बच्चे, एंड देयर वर्ड्स पता नहीं क्या-क्या यूज करते हैं लोग। सो गुड नाइट गाइस, sweet dreams, stay safe, stay healthy and take care of yourself. Bye bye, I love you all.